दुकानदार हजरात से मुआवजा अपील। पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि एक महीने डेढ़ महीने के बाद ज़िंदगी फिर से बहाल हो गई। गवर्नमेंट ने चलो अच्छा स्टेप ये उठाया ही है कि दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि SOPs को फॉलो करके खुद अपनी ज़िंदगी बचाए, खुद अपनी सेहत का ख्याल रखे, दूसरों का ख्याल रखे, ताकि बिज़नेस भी बहाल रहे, कारोबार भी चलता रहे। लेकिन गवर्नमेंट को भी ये चीज़ ज़रूरी देखना है कि ताजरों के साथ किस तरीके से का व्यवहार होना चाहिए, ताजर भी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करे, क्योंकि हम ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हुकूमतें चलती है, गवर्नमेंट चलती है, हम टैक्स देने वाले लोग हैं, हर एक चीज़ को फॉलो करने वाले लोग हैं। ताजरों जो दुकानों पे बैठे हैं वो देखिए आप, उनके पास कितना रश होता है, उनके पास कितनी भीड़ जमा होती है। लेकिन गवर्नमेंट को ये चाहिए उन जगहों पर SOPs का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखे, जहाँ पर लोगों की तादाद भीड़ जमा होती है मार्केटों में, वहाँ यहाँ पर जहाँ पर लोग ज़्यादा जाए उनका ख्याल रखना चाहिए। बाकी दुकानदार बेचारे उन पे का दिन में कितने कस्टमर आते हैं जिनके ऊपर वो SOPs वो फॉलो करते हैं। देखिए सैनिटाइज़र हमारी दुकान में है, हर एक चीज़ को फॉलो करते हैं, मास्क का इस्तेमाल करते हैं, हर एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट को आगे चल के ये देखना है कि ताजिर की तजारत ख़राब ना हो, ताजिर ख़राब ना, उनके साथ मुंसलिक उनके मुलाजमीन है, उनकी फैमिलीज़ है, और शहर की रौनक भी दुकान खुलने से ही है। हम यकीन रखते हैं लॉकडाउन में नहीं, हम अपडाउन में यकीन रखते हैं। जब दुकानें बंद रहती हैं उनका खोलना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ऐसा अल्टरनेट देखो आप, ऐसे कोई सबील देखो, ऐसा तदबीर करें जिससे लोग भी अच्छे रहे, ये माहौल भी अच्छा रहे और लोग बीमारियों से भी दूर रहे। SOPs के मैं सारी कौम से, अपनी कौम से, ताजिर बरादरी से यही अपील करता हूँ, SOPs का फॉलो करें। और मैं गवर्नमेंट से पुरजोर अपील इस बात के लिए कर रहा हूँ कि खुद जाकर मार्केट में देखें, खुद जाकर ये दुकानदारों का हाल देखें, किसी के ऊपर हमें इस तरीके से न छोड़े। जो अपने मसाइल हल करने के लिए उनके पास जाते हैं उनको छोड़कर आज खुद अपने लोगों को मार्केटों में बेचकर बाकी सभी बाकी तरीक़ेकारों का अजाला करें। बाकी शुक्रिया। मुझे एक चीज गवर्नमेंट का समझ में नहीं आया, रोस्टर जो इन्होंने कहा DC डिसाइड करेंगे, बाद में कहा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दे देंगे, रोस्टर अभी तक हमारे पास आया ही नहीं है। ये कह रहे हैं आप कि यहाँ की यूनियंस, यहाँ के ट्रेडर्स वो दे देंगे, उनका भी हमारे पास कुछ नहीं आया अभी तक। हाँ, इम्प्लीमेंट क्या हुआ, जो बैक में जो टाइम टेबल चल रहा था उसी बिहाफ पे ये दिया गया है, इवन उस वीक में सैटरडे और संडे बंद रहेगा। ठीक है सर, अगर हम लॉकडाउन कर रहे हैं तो किसी को 3 दिन आ रहे हैं, किसी को 2 दिन आ रहे हैं, ये जस्टिस है कि इनजस्टिस है, मैं ये गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। ये डिसीजन बहुत अच्छा है, मैंने कहा ना अच्छा नहीं है, इस महामारी के अंदर ये चीज़ें देख के चलना पड़ता है, मगर ये भी देखना कि इनजस्टिस ना हो जाए। या तो उनको चाहिए फ्राइडे लॉकडाउन करना था 3 दिन के लिए, 4 दिन आते, यानी कि इनजस्टिस नहीं होता, 4 दिन दुकान खुलती है ऑल्टरनेटिव बेसिस पे। ये मेरा है।